हूँ स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद प्री प्राइमरी क्लास के लेवल 2 में आज हम उर्दू में पढ़ रहे हैं मुसव्वतें। तो जनाब मुसव्वतें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपने वॉवल पढ़े होंगे ना, 5 वॉवल्स होते हैं, तो उर्दू में मुसव्वतें होते हैं। और मुसव्वतें कितनी होती हैं? मुसव्वतें 4 होते हैं। और मुसव्वतें क्या चीज होती है? मुसव्वतें एक तरह की साउंड्स होती हैं, जैसे कि पहला जो मुसव्वतें हैं अलिफ, और अलिफ की साउंड कैसे होती है? आ। अलिफ की साउंड कैसे होती है? आ। जिस तरह इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं और वॉवल्स में पहला जो वॉवल्स ए होता है, तो उर्दू में अलिफ होता है, और अलिफ का साउंड क्या होता है? आ। मेरे साथ बोलिए आ। अलिफ के साउंड में अलिफ का जो आवाज निकलेगी तो उसमें हमारा जो मुंह है वो पूरा खुलेगा। जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी को मुंह चेक कराते हैं तो आ करते हैं, तो इसी तरह आ, आपका जो मुंह पूरा खुलेगा। और फिर अलिफ के बाद क्या आता है? वाओ। दूसरा से जो मुसव्वते होते हैं वो क्या कहलाता है? वाओ। और वाओ का साउंड क्या होता है? ओ। क्या आवाज होती है इसकी? ओ। ठीक है। इसके बाद अच्छा मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि हम किसी भी हुरूफ को इन आवाजों के साथ मिलाकर कैसे हुरूफ बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहले हम इस मुसव्वतों को अच्छी तरह से पढ़ लें और इनको इनकी शनाख्त कर लें। ठीक है। अलिफ वाओ, वाओ का साउंड समझ आ गया, ओ। मेरे साथ बोलिए आपका जो लिप है वो कैसे हो जाएंगे? वो टर्न हो जाएंगे, गोल घूम जाएंगे, ओ। जैसे जब हम कोई ऐसी कोई चीज देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओ, हमारी साउंड निकलती है, तो बिल्कुल ऐसे। इसके बाद जो तीसरा है वो छोटी है। छोटी आपको पता है ना, लाइन से लटका के लिखा जाता है छोटी है। और छोटी है का साउंड होता है ई। क्या होता है? ई। मेरे साथ बोले सब मिलके, ई। इसके बाद आ जाता है बड़ी ये, और बड़ी ये का साउंड होता है ए। क्या साउंड होता है बड़ी ये का? ए। अब उर्दू की हुरूफ तहजी के जो बाकी हुरूफ हैं वो इन अल्फाज इन मुसव्वतों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आवाज निकालते हैं, आवाज बनाते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बे लिख दूं, अब आप क्या करेंगे? आप बे का, बे की साउंड बनाएंगे आप अलिफ के साथ, वाओ के साथ, छोटी ये के साथ और बड़ी ये के साथ। यानी मुसव्वतों के साथ हम हुरूफ की आवाजें निकालेंगे और लिखना भी सीखेंगे। अब जब बे अलिफ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? फर्क आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। अलिफ की आवाज क्या होती है? आ। और बे मिल जाएगा तो बा। कैसे? बे अलिफ बा। क्या बन गया ये? बे अलिफ बा। जब बे अलिफ से मिलेगा तो इसका क्या साउंड हो जाएगा? बा। बे अलिफ बा। और जब ये जीम के साथ मिलेगा तो जीम अलिफ जा। ये मुसव्वतें जिस हुरूफ के साथ मिलेंगी उसकी आवाज बना देंगी। जैसे बे से मिला तो बा, जीम से मिलेगा तो जा, ते से मिलेगा तो ता, टे से मिलेगा तो टा, सीन से मिलेगा तो सा, शीन से मिलेगा तो शा। इस तरह आप जितने भी कोई भी हुरूफ लिखेंगी उसके अलिफ के लिखेंगे, उसके साथ उसके अलिफ के साथ जब उसको जोड़ेंगे तो बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, लाम अलिफ ला, काफ अलिफ का, यानी कोई भी हुरूफ लिखेंगे उसके साथ अलिफ का साउंड लिखकर मिलकर उसकी आवाज बना देगा। तो इस तरह हमने दो हुरूफ मिलाकर एक आवाज बनाई है, और इसको मिलाकर ये हुरूफ जोड़ा भी कहलाते हैं, हुरूफ को जोड़ा भी है। अब इसके बाद हम लिखते हैं वाओ के साथ बे को बनाएंगे तो इसके साथ इसका साउंड क्या बनेगा? बे वाओ बो। जाहिर सी बात है, वाओ का साउंड क्या होता है? ओ। तो आवाज भी ओ में आएगी, बे वाओ बो। पे अगर वाओ से मिलेगा तो पो बन जाएगा, मीम वाओ से मिलेगा तो मो बन जाएगा, लाम अगर वाओ से मिलेगा तो लो बन जाएगा। सब में देखिए ओ का साउंड आता जाएगा। काफ मिलेगा तो को, नून मिलेगा तो नून वाओ नो। अच्छा अब हम छोटी ये पे आते हैं। छोटी ये का साउंड आप सबको पता है कैसे निकलता है? ई। मेरे साथ बोले छोटी ये का साउंड ई। आपकी जो है माउथ जो है पूरे लिप्स आपके फैलते नहीं है, बस ई, हल्का सा ई की आवाज आती है। तो बे छोटी ये बी। क्या बना? बे छोटी ये बी, मीम छोटी ये मी, पे छोटी ये पी, नून छोटी ये नी। अच्छा जी, इसके बाद हम बड़ी ये, बड़ी ये का साउंड आपको पता है ए। बड़ी ये का साउंड कैसे हो गया? ए। बे बड़ी है बे, पे बड़ी है पे, नून बड़ी है ने। अब हमने बे लिखा तो बे बड़ी है बे। अब हम मजीद कुछ नए वर्ड सीखते हैं ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो। अब मैं यहाँ पे कोई भी, आप सोचे आप भी कोई दूसरा हुरूफ लिखे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सीन। ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने सीन के साथ अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये मिला के लिखना है ताकि आपको समझ आता जाए। तो सीन अलिफ सा, सीन वाओ सो, सीन छोटी ये सी, सीन बड़ी ये से।
तो ये से के बाद अब हम यहाँ पे दूसरे हरूफ के साथ ये मुसव्वतों को मिलाएंगे और इनको हिज्जों से पढ़ते जाएंगे ताकि हमें मुसव्वतों के साथ मिलाना भी आए और हिज्जे के साथ पढ़ना भी आए, रीडिंग भी आए। तो जनाब लाम को जब हम अलीफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाम अलीफ। बताइए, सोचिए क्या साउंड आएगा लाम को अलीफ से मिलाएंगे तो? अलीफ का साउंड आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, आ। और जब हम लाम के साथ मिलाएंगे तो ला। क्या निकलेगी आवाज? ला। लाम अलीफ ला। फिर वाओ के साथ वाओ का साउंड क्या होता है? ओ। लाम के साथ मिलाएंगे तो लाम वाओ लो। बन गया ये लाम वाओ लो। फिर लाम छोटी ये ली। लाम छोटी ये ली। छोटी ये हमेशा लाइन से नीचे आएगी, आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे। फिर लाम बड़ी ये ले। अब इसी तरह काफ को, काफ अलीफ का। काफ को जब हम अलीफ से मिलाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, काफ अलीफ का। काफ वाओ को। काफ छोटी ये की। काफ बड़ी ये के। काफ को की। इसके बाद हम मीम से मिलाएंगे तो मीम का साउंड क्या होगा? अब आप बताएं, मीम का साउंड होगा मीम अलीफ मा। मीम वाओ मो। मीम छोटी ये मी। मीम बड़ी ये मे। अब हम इसको लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए और चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपने खुद से करना है। मीम छोटी ये मी और मीम बड़ी ये मे। अच्छा, अब इसके बाद आपने अपने घर पे क्या करना है? आपने अपने घर पर इसी तरह की एक एक्सरसाइजेस मजीद लिखनी है और आपसे मैंने जो हरूफ छोड़े हैं वो आपने खुद से लिखने हैं। अब आप जैसे जीम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो आप जीम को अलीफ के साथ लिखें। जीम को अलीफ के साथ क्या आवाज बनेगी? जीम अलीफ जा। जीम वाओ जो। जीम छोटी ये जी। जीम बड़ी ये जे। इस तरह कोई भी हरूफ तहजी का कोई भी हरूफ लिखें और उसके साथ ही मुसव्वतों को मिला के उनकी आवाजें बनाइए। और इस तरह जब आप ये सीख लेंगे तो फिर हम आगे और नई चीज सीखेंगे, हम दूसरी चीजें सीखेंगे ताकि आपको उर्दू में लिखना भी आए और पढ़ना भी आए, यानी आप रीडिंग भी सीख सकें और उर्दू की राइटिंग भी सीख सकें। क्योंकि ये देखिए आपको लिखना आ रहा है। अब हम जब उर्दू में कोई भी चीज लिखते हैं, किसी को कहते हैं पानी दो पानी लो, तो आपको पता चल गया ना पा। पा भी कैसे लिखेंगे? पा। पानी में पा की आवाज आ रही है तो आपको पता है कि पे अलिफ का साउंड है और किसके साथ मिल रहा है? पा। पे के साथ, तो पे अलिफ पा। और जब नी आ रहा है पानी का, नी नून छोटी है नी, ये बन गया पानी। तो इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको नए अल्फाज बनाने आएंगे और उनको लिखना भी आएगा, उसकी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छी तरह पढ़ें कि मुसव्वतें क्या होती हैं। मुसव्वतें चार होती हैं, उनकी आवाजें क्या होती हैं? अलिफ की आ, वाओ की ओ, छोटी ये की ई और बड़ी ये की ए। और फिर जब ये जिस हरूफ के साथ मिलेंगे उसकी आवाज निकालेंगे। जीम के साथ मिलेंगे जीम की आवाजें निकालेंगे, मीम के साथ मिलेंगे मीम की आवाजें बनाएंगे, फे के साथ मिलेंगे फे की आवाजें बनाएंगे। तो ये जिस हरूफ के साथ भी मिलेंगे उसकी आवाजें बनाएंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है? आपने इन मुसव्वतों को पहले याद करना है कि मुसव्वतें चार होती हैं, इनकी आवाजें की प्रैक्टिस करनी है और फिर हर हरूफ के साथ उसको लिखना है ताकि आपको पता चलता जाए, आपको आता जाए कि आप मुसव्वतों के साथ हरूफ को मिलाकर उनकी आवाजें कैसे बना सकते हैं। तो ये काम आपने लाजमी घर पे करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। खुद से अपनी कॉपी निकालनी है और खुद से अपना काम करना है। अपने सेल्फ डिपेंड बने, आप खुद पे अपने काम करने, जरूरी नहीं कोई आपको खुद कर लेके बैठे। खुद से कीजिए और करने के बाद चेक करवाइए अपनी मम्मा से या मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि आपने ठीक किया गलत किया है। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तो फिर मैं आपको और नई चीजें सिखाऊंगी कि उर्दू में हम कैसे लिखना सीखेंगे, हरूफ को जोड़ना सीखेंगे। तो अगली क्लासेस में हम और कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, जिसके लिए आपको लाजमी मुझसे कनेक्ट रहना पड़ेगा, मुझसे जुड़ के रहना पड़ेगा ताकि आपको पता रहे कि अगली वीडियो किसकी आएगी। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास का एंड करती हूँ और आपकी इस उम्मीद के साथ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से आपने ये समझ भी लिया होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जी जनाब, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी आपने प्रेस कर देना है ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पहले से पता चल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।